मदनी मीनार आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में। मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रकम पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगर रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमजान मुबारक के दौरान एटीवी पर पेश किए जाने वाले खुसूसी प्रोग्राम रहमत रमजान में आपका इस्तकबाल है। रहमत रमजान प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्गा के मुमताज़ आलिम दीन मौलाना अब्दुल हकीम बुखार अशरफी साहब। आप खतीब शोला बयान के हिस्से से काफ़ी शोहरत रखते हैं और उनवानात पर नहायत बेबाकी से इजहार ख्याल करते हैं। मौलाना, आज आपका इस प्रोग्राम में खैर मुकदम है। जज़ाकअल्लाह जी। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि रोज़ा रखने का, रोज़ा फ़र्ज करने का क्या मकसद है? नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला कलाम मौजिज निज़ाम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसा तुमसे अगली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज थे, ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, इबादत गुज़ार बन जाओ। मकसद रोज़ा, मकसद सौम यही है कि इंसान तक़वे की ज़िंदगी गुजारे, परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारे और जहाँ तक हो सके हर बेहयाई, बुराई और खुराफात से अपने को बचाए। जी मौलाना, आप हिकमत भी करते हैं जी, तो रोज़े के तिब्बी फवायद क्या हैं? अब अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अफ्तार के बाद लोग खाने पे टूट पड़ते हैं और बग़ैर कंट्रोल के इफ्तार में भी खाते हैं, और इफ्तार के बाद जो दावत होती है या घर में खाना होता है तो बग़ैर कंट्रोल के खाते हैं, तो इससे रोज़े का जो तिब्बी फ़ायदा है वो मुतासिर होता है। जी देखिए, मेदे को उम्मुल अमराज कहा जाता है। अच्छा जी, तो वहाँ डायरेक्ट गिज़ा जो है मेदे में पहुंचती है। अब इंसान जो है सारा दिन जो है पानी से, खाने से, दीगर चीज़ों से अपने को बचाए रखता है तो मेदा खुलू हो जाता है, और जब इफ्तार का वक्त आता है तो उसे बहुत एहतियात करनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि छुआरे से या खजूर से इफ्तार करें, समझे? तो इसलिए फौरन अगर हम ज़्यादा ग़िज़ा डाल लेंगे पेट में तो मेदे में बोझ होगा और मेदे में वर्म आ जाएगा, दीगर नई नई बीमारियां पैदा होंगी। इसीलिए खाने का भी यही उसूल है कि एक खाना खाली रखकर खाना खाया जाए हमेशा, मगर रोज़े की हालत में सारा दिन मेदा खाली रहता है, इंसान भूखा रहता है, तो इस तेज़ी के साथ खाना ना खाया जाए बल्कि एहतियात की जाए। गुलबर्गा का दर्जा हरारत 44 डिग्री से तजावज कर गया है, हद की बहुत ज़्यादा गर्मी है जी। तो ऐसा देखने में और सुनने में आ रहा है कि रोज़ेदार रोज़ा अफ्तार करने के साथ ही बहुत ज़्यादा मकदार में पानी पी ले रहे हैं जी, तो इससे भी कुछ सेहत मुतासिर हो? हाँ, लाजमी बात है। देखिए, ज़्यादा पानी पीने से रोज़े के बाद फौरन, क्योंकि शिद्दत गर्मा भी है तो उसकी वजह से किडनी और हार्ट पे असर पड़ता है। अच्छा। तो इसलिए जो है पानी टहर टहर कर पिएं। अब एक गिलास में 3 सांस से पानी पिएं इफ्तार करते ही, फिर थोड़ी देर वक्फा करें, उसके बाद फिर पानी पिएं। एक साथ आप 2-4 गिलास पी रहे हैं तो इससे जो है फौरन पहले तो लीवर ख़राब होता है जिसे जिगर कहा जाता है, उसके बाद हार्ट पे बाल पड़ता है, तो क्योंकि दिन तमाम जो है मेदा बहुत गर्म हो जाता है जी, तो इससे भी
आदमी एकदम सुस्त हो जाता सुस्त है, कोई कामकाज नहीं होता जी, हो निढाल हो जाता है, क्योंकि आसाब जो है कमजोर हो जाते हैं, तो पानी बहुत ज्यादा पीने से निढाल हो जाता है जी। तो ये मौलाना रोजे के बाद किस तरह हमको इफ्तार में किस मिकदार में पानी पीना चाहिए ये बता रहे थे मौलाना, रमजान मुबारक के तीन अशरे बयान किए गए, इनकी क्या फजीलत है? देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला अशरा रहमत है जिसमें रहमत का नुजूल होता है, दूसरा अशरा, अशरा कहते हैं दहे को, तो हाँ दस, ये कुम रमज़ान से दस रमज़ान तक पहला अशरा है, इसमें रहमत का नुजूल होता है, तो ये रहमत का अशरा है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है, तो वो जो है 11 रमज़ान से 20 रमज़ान तक है। तीसरा अशरा जहन्नम से नजात का है, छुटकारे का अशरा है, तो वो जो है 21 रमज़ान से 29 या 30 रमज़ान तक है। तो तीसरे अशरे की फजीलत भी ज़्यादा है, इसलिए कि उसमें तलाश शब क़द्र भी है, उसमें एतकाफ़ भी है, सारे मामलात हैं, तो तीसरे अशरे की फजीलत भी ज़्यादा है। तो वैसे पूरा महीना रहमत व बरकत का महीना है, मगर फिर अल्लाह के रसूल ने मज़ीद अनवार व बरकत इसमें अता फरमाए हैं जी। नाज़रीन हम यहाँ एक मुख्तसर वक्फे के लिए रुकेंगे, वक्फे के बाद मौलाना विकार अशरफी साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी। रहमत रमजान अल्लाह का इनाम, रहमत रमजान। मदनी मीनार आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में, मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रब पैदा करें। मदनी मीनार हागरगर रोड गुलबर्गा, प्रोप्राइटर गुलाम नबी, कॉन्टैक्ट 8197867426। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान की पहली रात होती है तो शैतान और सरकश जिन्नात बांध दिए जाते हैं, दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इनमें से कोई दरवाजा नहीं खोला जाता, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उनमें से कोई दरवाजा बंद नहीं किया जाता, और मनादी करने वाला आवाज देता है, ऐ खैर के मुतलाशी आगे आ, और ऐ शर के मुतलाशी रुक जा, और यूं अल्लाह ताला कई लोगों को जहन्नम से आजाद कर देता है, और रमजान की हर रात ऐसा ही होता है। सागर फर्नीचर निम्म मने मत्तष्टु अंदगोळिसलु गुलबर्गादल्लि आरंभवागिदे। सागर फर्नीचर निम्म मनेगे अगत्यवाद सोफा सेट, डाइनिंग टेबल्स, ड्रेसिंग टेबल्स, साइड टेबल्स, सेंटर टेबल्स, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜ್ನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು। ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ ಕೆಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ। ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020।
खारा शफी साहब से नमाज तरावी के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। मौलाना रमजान मुबारक को गमखारी का महीना कहा गया, इसमें इबादतें भी हैं लेकिन उसके साथ गरीबों नादारों की मदद का भी एक नज़्म इस्लाम ने ज़कात के ज़रिए सदक़ात के ज़रिए कायम किया, तो क्या मौजूदा ज़माने में इस पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है? जी देखिए हो ये रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इरशाद फरमाया कि रमज़ान गमखारी का महीना है, तो गुरबा व मसाकीन का, गरीबों का ख्याल रखा, जैसा सदक़े फितर भी इसमें शामिल है। आज हो ये रहा है कि हम अपने मामलात को देख रहे हैं, पड़ोसी गरीब है, रिश्तेदार गरीब हैं, दोस्त अहबाब में गुरबा हैं, इनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो हमको जो है पहले गुरबाओं का, गरीबों का ख्याल रखें, रिश्तेदारों के गरीबों का, पड़ोसी गरीबों का ख्याल रखें। अब हमारे पास हो जा रहा है इनको छोड़ दिया, मदरसों के पीछे पड़ गए हैं, तो लिहाजा ये गलत तरीक़ा है कि हम एक रोटी में आधी रोटी पड़ोसी के लिए भी रखें। जी जी जी, तो अभी ऐसा हो रहा है कि मुझे दो चार तंजीमों के कामकाज को देखने का मौका मिला जो रमजान पैकेज जी तकसीम किए जा रहे, जी तो वो काफी नहीं हो रहे जी। वो एक तंजीम वाले 300 पैकेट बांट रहे हैं, उनको काट दिए, बाजू बाहर 500 औरतें खड़ी हुई हैं जी, तो उन तक इमदाद नहीं पहुंच रही है। सही है, तो ये ज्यादा वसाइल ना होने से जी ये काम महदूद हो रहा है। सही है, तो हम ये देखते हैं कि इफ्तार की दावतों पर बड़े बड़े स्टेज सजाए जाते हैं जी, काफी फ्रूट्स जमा किए जाते हैं, लंबे टेबल्स लगाए जाते सही हैं। है, तो क्या इसको महदूद करके गरीबों की मदद की जानी चाहिए? बहुत जरूरी है वो जी, ये नज़्म क़ायम किया जाए, क्योंकि इफ्तार पार्टियों में बहुत सारी चीज़ों का इसराफ होता है, तो जो मुस्तहकीन हैं जिनका हक बनता है उन पर खर्च किया जाए। तो आप इफ्तार पार्टी रखा रहे हैं, रखाइए, खजूर पे भी मामला हो सकता है, मगर जिसका हक है उसे। तो ये ऐसा समझा जाता है कि रोज़ा इफ्तार कराना बहुत ज़्यादा सवाब है जी जी, गरीबों की उनकी मदद करने से क्या सवाब मिले? नहीं 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 मिलेगा, इस तरह का लोगों में तसव्वुर है। सही है, बेशक जी जी, तो क्या गरीबों की मदद ज्यादा अहम है या ये? नहीं, गरीबों की मदद अहम है, और इस तरीके की जो इफ्तार पार्टियां वगैरह हो रही हैं ये सिर्फ तसन्नो रियाकारी दिखावा है जी। तो आप क्या हमारे अहले खैर साहब को और इसमें अवामी और सियासी कायदीन बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर इफ्तार की दावतों का एहतमाम करते हैं जी, हालांकि उसमें भी गरीबों को मदद किया जाना चाहिए जी जी, लेकिन उसमें तो बाजाबता कार्ड से लोगों को दिए जाते हैं जो स्टेटस वाले। बेशक जी, सही, तो ये जो रोजान चल पड़ा है जी, ये हम इसमें क्या किस तरह से इसलाह हो सकती? सही है, तुम मैं यही कहूँगा तमाम मुस्लिम सियासी कायदीन और अमायदीन शहर अहले सरवत से कि वो यकीनन जो है इफ्तार की दावतें दें, मगर उनमें गुरबा और मसाकीन का भी ख्याल रखें, उनको मदु करें, और उससे ज़्यादा बेहतर अमल यह है कि जिस इफ्तार पार्टी में जितना अखराजात हो रहा है उसका 50% कम करें, और उसका मामला जो है गरीब नादार अहबाब के लिए जो है पैकेज की शक्ल में दिया जाए, ताकि वो भी रमज़ान की खुशियों में, ईद की खुशियों में शामिल हो, क्योंकि वही ज़्यादा मुस्तहक हैं। अब जितने इफ्तार में लोग आते हैं वो अल्लाह के फजल से दो टेम अच्छा खाना अपने घर में रखते हैं, मगर जो मुस्तहकीन हैं उनके लिए ज़रूरी है, आप हजरात से गुजारिश है कि उनका मुस्तहकीन का पूरा ख्याल रखें जी। आपने हमारे नाज़रीन से बहुत अच्छी तलखीन फरमाई है जी, तो इसी तरह सदक़ात और ज़कात का मामला है, इसकी तकसीम भी जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हो रही जी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ज़कात सिर्फ आप जैसा अभी बोल रहे थे मदरसों को ही अतिया दिया जा रहा जी जी जी, तो ज़कात के कितने ज़्यादा मद हैं? तकरीबन 7 मद कुछ। बेशक जी, देखिए
ज़कात और सदका निकालने का मकसद ये है कि अपने रिश्तेदार के गरीबों की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छी की जाए, माशी मामले को मुस्तहकम किया जाए, उनको स्टैंड करें। आज क्या है मामला, अगर 10,000 रुपये ज़कात निकल रही है तो 10,000 को किसी को 25 रुपये लिखा दिए, किसी को 50 रुपये लिखा दिए, इस तरीके से। तो जो मुस्तहक है उसे पूरे के पूरे 10,000 रुपये दिए जाए। तो इसीलिए पहले जो है ददियाल है, उसके बाद ननियाल है, उसके बाद ससुराल है, उसके बाद पड़ोसी है। अच्छा, समझ में। इतने लोगों के गरीबों का ख्याल करें, देखें आप, पहले ददियाल में देखें, नहीं है कोई भी ननियाल में देखें, नहीं है कोई भी ससुराल में देखें जहाँ रिश्तेदारी हुई है, नहीं है पड़ोस में देखें, नहीं है तो अब दीनी मदारिस को देखें। जी, समझ में। तो इतना अच्छा नज्म ज़कात का, बेहतरीन है। तो आजकल वो मदरसे वाले भी जो है, पहले जो है मेहमान रसूल हैं, ये हैं वो हैं, तो मद असल में से मेहमान रसूल का ख्याल रखा जाए, ना कि जो है सदक़े खैरात फितरे में से। तो ये जो ज़कात के मद हैं जिन लोगों को दिया जाना चाहिए, उसकी सही तशहीर नहीं होती। जी जी, सही है। और क्या ये हमारे जो अहले ज़कात देने के अहल लोग हैं जी, वो लोग क्या गौर नहीं करते कि इसके और भी मत हैं, हमको देना नहीं, उनको बताया नहीं जा रहा ना, उनको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ज्यादा मुस्तहक जो है मदारिस दीनिया है। अब वो जहन में बरसों से बैठ गया है, समझ में। भाई गरीब है बेचारा, बिलक रहा है, कुछ किसी मामले में जो बात नहीं होती उसे छोड़ दिया, ले जाके दूसरों को दे रहे, समझे। अगर रिश्तेदारी में भी किसी से मामलात बिगड़ गए हैं तो आप किसी के जरिए, उसे पता भी ना चले, वैसा आप उसकी मदद कीजिए। अच्छा अमल है जी, बहुत अच्छा अमल है जी, आपको पसंद आने वाला। बेशक जी। तो मौलाना आपने एक मत ये कैदियों को आजाद करने का भी है इसमें। जी जी हाँ। तो आज बहुत से हमारे नौजवान झूठे मुकदमात में जी जेलों में फंसे हुए हैं जी, तो क्या उनकी रिहाई के लिए भी ज़कात की रकम इस्तेमाल की जा सकती है? बेशक जी, अगर वो बेगुनाह लोग जो है जेलों में कैद हैं तो उनके लिए भी जो रिहाई के मामलात को ये करने के लिए जो है मत का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मौलाना, रमजान मुबारक में उजरे शरई से जो लोग रोजा नहीं रख सकते जी, तो उनके लिए बाद में कजा करने का और हुक्म जी जी, लेकिन जो लोग रोजा रखने की ताकत रखने के बावजूद भी रोजा नहीं रखते तो उनके लिए क्या वही दाई? देखिए वो तो गुनाहगार हैं जी, समझ में। उज़्रे शरई वाकई में लाहक है, तो उसको सेहत होने के बाद जितने रोजे छूट चुके हैं वो पूरे रमजान आने तक जो है कजा कर ले। अब कोई बिला उज़्रे शरई रोज़ा छोड़ रहा है तो वो काहिली में आएगा, बड़ा गुनाहगार होगा। अगर रोज़े को मामूली हकीर समझ कर छोड़ रहा है, उसकी अहमियत को घटा कर, तो ये कुफ्र है। अच्छा जी, इतना बड़ा जी हो, क्योंकि इबादत जो है नमाज रोज़ा ज़कात है, इनको अखर जानना, हकीर जानना, ये भी कुफ्र है। तो आप रोज़े की कदर नहीं कर रहे, आप उसको बिल्कुल लाइट ले रहे हैं, तो ये रोज़े की तोहीन है, तो रोज़े की तोहीन कुफ्र है जी। अल्लाह मुसलमानों को महफूज रखे और बिला उज़्रे शरई रोज़े को छोड़ने से बचे। तो अब अगर किसी से ये हो गया है तो उसके लिए क्या? उसके लिए हाँ, उसके लिए कफ़ारा शरीयत ने बताया है कि सुबह और शाम किसी मिस्कीन को पेट भर खाना खिलाया जाए। नहीं, अब जो जानबूझ कर नहीं रहा उसके लिए, अब उसके लिए तो देखना पड़ेगा जरा मसला जी। तो इसी तरह जो किसी का रोज़ा टूट गया जी, तो किन हालात में किस रोज़ा टूटता है? नहीं, रोज़े के टूटने के कई वजूहात हैं, जैसा जो है अगर किसी ने जो है मुंह भर खाए कर लिया। अच्छा, मुंह भर अचानक खाए आ गई तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, मकरूह होगा। अगर कोई उंगलियां डाल कर खाए निकाला तो रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, समझ में। तो ये इंजेक्शन वगैरह लेने से? हाँ, हमारे आजकल के मुफ्तियान इकराम जो है दौरे हाजिर के, उन्होंने कहा है कि अगर कोई मर्ज लाहक है, इंजेक्शन ज़रूरी है, तो इंजेक्शन डालने से जो है रोज़ा टूटेगा नहीं। अच्छा, जी। अब एक वाक़या आया था कि एक नौजवान ने किसी गैर मुस्लिम लड़की की
छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए, हाँ जी, तो हालत रोजा में उसने जी ब्लड डोनेशन किया, खून का दिया। जी जी जी। तो पहले तो डॉक्टर्स ने कहा कि रोजे की हालत में हम खून नहीं लेंगे, जी जी जी, तो कुछ खा पीने के बाद लेंगे। जी। तो उसने मजबूरन पानी पी लिया। जी जी। तो अब उस पे क्या लाजिम आएगा? नहीं देखिए, रोजा टूट गया। नहीं नहीं देखिए, की मदद के लिए नहीं, रोजा तो गया, उस पर रोजा खजा लाजिम है, मगर ये उसका जो ये अमल है बेहतरीन अमल है, इसलिए कि अल्लाह ताला अपना हक माफ करता है, बंदे का हक माफ नहीं करता। तो ये हुकूकुल इबाद में है, अल्लाह को ये अदाएं बड़ी पसंद आती हैं। तो बेहतर इंसानों की मदद बिला किसी तफरीक मजहब व मिल्लत के, हर इंसान की मदद करने का इस्लाम इजाज़त देता है। तो ये बेहतरीन अमल है जो इसने किया है, अब उस वो रोज़े की क़ज़ा कर ले अल्लाह ताला, इसका जो है जो खून दिया है उसके एक जान बचाया है, इसका बेहतरीन अजर देगा और दीगर लोगों के लिए भी ये एक सबक है। एक और वाकया आया है कि एक शख्स बहुत ही रोज़े की सख्त हालत से गुजर रहा था। जी। तो उसको पानी पीने के लिए कहा गया। जी। तो उसने इनकार किया। जी। और उसकी मौत हो गई। जी। तो हालत रोज़ा। जी जी। तो क्या ये अमल किस हद तक? देखिए, रोज़े की हालत में है वो, और रोज़ा शदीद हो गया है और वो रोज़ा तोड़ने पर मायल नहीं है, उसी हालत में इंतकाल कर गया, तो ये शानदार मौत है, क्योंकि रोज़ा तोड़ने का तो हुक्म नहीं है ना। तो अगर जान बचाने के लिए वो तोड़ भी सकता था, मगर जो है नहीं तोड़ा, उसका इंतकाल जो है रोज़े की हालत में हुआ, तो वो तकवे की मौत है, परहेजगारी। जी। तो ये रोज़े के सूफिया इकराम का भी एक अमल रहा है कि वो बहुत ज्यादा रोजे रखा करते थे रमजान के अलावा। जी जी जी। तो नफील रोजे रहा करते। जी। तो इसका मकसद क्या है? देखिए, सहाबा इकराम रिद्वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन भी जो है रमज़ान के रोज़ों की तैयारी रजब से किया करते थे। अच्छा। समझ में? तो रजब में जो है इबादत में कसरत करते थे, क़ियामुल्लैल फरमाते थे, रात रात भर जिक्र अस्कार करते थे, और फिर जो है दिन में रोज़े रखा करते थे। शाबान के महीने में भी ये अमल होता था। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इतना अमल ज़्यादा ना करें जो फ़र्ज़ रोज़ों पर असर पड़े। तो इस तरीके से जो है यही तरीक़ा जो नवाफिल पर है, यही तरीक़े को औलिया इकराम ने बकसरत किया, क्योंकि एक रोज़ा ऐसी चीज़ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ का अल्लाह ताला अजर देगा, मगर रोज़े का अजर मैं खुद हूँ। समझे? और देखिए, आप गौर कीजिए, हर इबादत का इजहार होता है, कोई नमाज़ पढ़ रहा है आप समझ जाते हैं, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है आप समझ जाते हैं, मगर रोज़ा ऐसी चीज़ है, कोई रोज़ादार आपके बगल में बैठा हुआ है आप नहीं समझ सकते कि ये रोज़ादार है, क्योंकि ये एक ऐसी इबादत है जो खुफिया है, अल्लाह और बंदे के दरमियान है। तो सूफिया इकराम के यहाँ नफ्सकशी की तालीम दी जाती है। जी जी। वो ज़्यादा उसकी उनके पास अहमियत है, इस्लाह है नफ्स, तस्कीय नफ्स। जी जी। तो नफ्सकशी के जी, तो रोज़ा नफ्सकशी का भी एक जरिया है। बेशक। जी हाँ। या इस पर बहुत ज़्यादा। जी जी हाँ। बेशक। तवज्जे दे। सही है। देखिए, नफूस की पाकी ही अहम है ना। सूफिया इकराम ने भी ये फरमाया, कुरान शरीफ में भी जो है नफ्स के मुतालिक कहा गया, या तुह नफ्सुल मुतमईना इरजी ला रब्बी की राज़ियतम मर्ज़िया। तो यही तो है नफ्स। तो सूफिया इकराम ने इसी को अपनाया है। तो नफ्स की पाकी जो है इसी रोज़े से होती है। अल्लाह ताला भी यही कह रहा, लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा इसलिए है कि तुम तकवे वाले बन जाओ। तो नफ्सकशी होगी वहाँ पर, समझे? तो इसीलिए जो है आप जब मुत्तकी हो जाएंगे तो आपके अंदर नफ्स नहीं रहेगा, तस्किए नफ्स हो जाएगा, नफ्स पाक हो जाएगा। तो रमजान के अलावा भी सूफिया नफील रोज़ों को ज़्यादा जी इख्तियार किया। सही है, बेशक। तो आज हम इस रमजान के रोज़ों तक ही महदूद होकर रह जाते हैं। जी जी, सही। तो आगे के नफील रोज़ों के बारे में भी लोगों से आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? लाजमी बात है। देखिए, इंसान जो है
नफिल रोज़े हो या नफिल नमाज हो या नफिल जो है दीगर नेकियां हो जैसा सदक़ा वग़ैरह है, ये कसरत से करना चाहिए। इसलिए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सदक़ात दिया करते हैं वो बलैयात से महफूज होते हैं, जो नवाफिल कसरत से अदा करता है वो क़ुर्ब इलाही हासिल करता है, अल्लाह के करीब होता है। तो इसीलिए फ़राइज़ तो फ़राइज़ हैं, मगर नवाफिल में भी बंदा खुदा की रजा के लिए कसरत करनी चाहिए। दीगर कौमों में जिस तरह इस्लाम में रोज़ा है, दीगर कौमों में इस तरह का तस्वीर नहीं है। जी, इस्लाम का रोज़ा जो है कि आप बिल्कुल ही जायज़ कामों से भी रुक जाना पड़ता है। बेशक जी। हो तो ये ऐसा क्यों इतनी इस्लाम के रोज़े में ये बातें रखी गई? देखिए, इसमें इसी में जो है तज़किया नफ्स है, क्योंकि अल्लाह ताला आपको रोज़े के माने हैं रुकना। ये एक तरबियत का महीना है, समझ में आया? एक महीना आपको खाने से, पीने से, जिमा से, ये इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तरबियत कर रहा है कि बुरे अफ़ाल से ना सुने, कानों का रोज़ा है, बुरी चीज़ें ना देखें, आँख का रोज़ा है, किसी को ज़बान से तकलीफ़ ना दें, गलत कलेमात ना, ये ज़बान का रोज़ा है, अगर अपने हाथ पैर से लोगों को जो है ईज़ा ना पहुँचाएँ, गलत रास्तों पे कदम को ना ले जाएं, बुरे ख्यालात ना लाएं, पूरा अपने आप को संवारने का नाम रोज़ा है। जी, तो ये बहुत अच्छी आपने रोज़े की अच्छी फरमाई। मौलाना ये बताएं कि उम्मत मोहम्मदिया से कबल भी दूसरी उम्मतों में क्या रोज़े फ़र्ज थे? जी, जैसा कुरान कह रहा है ना, कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अललजीना मिन कब्लिकुम, जैसा पिछली उम्मतों पर यानी तुमसे अगली उम्मतों पर जो रोज़े थे तुम पर भी थे, तुम पर भी हैं। तो इसका मतलब यह है कि मुसलसल तवातुर के साथ किसी उम्मत पर एक महीना रोज़ा नहीं था। हाँ, किसी पर 5 थे, किसी पर 10 थे, इस तरीके से किसी पर 2 थे, मगर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा रमज़ान एक महीना रोज़ा फर्ज है। जी, ये रमज़ानुल मुबारक को साल के 12 महीनों में जो अफजलियत हासिल है उसकी वजह रोज़ा और कुरान मजीद का नुज़ूल है। बेशक। तो आप क्या कहें? देखिए, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये ईमान वालों के लिए है। अब फिर रब तबारक व तआला ने उसी कुरान में कहा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, बेशक हमने कुरान को रमज़ान में नाजिल किया। फिर उसी कुरान में रब का इरशाद है, इन्ना अन्ज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तो लिहाजा रमज़ान शरीफ में बेशुमार अनवार व तजल्लियात हैं, इसकी बेशुमार फजीलत है, इसमें कुरान नाजिल हुआ। हाँ, और रमज़ान पाक के लिए अम्बिया कराम ने भी दुआ की, जैसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह किबरिया में अर्ज़ की, मौला वो मुक़द्दस महीना, वो बाबरकत महीना तू किसे अता करेगा? तो रब्बे ख़दीर ने कहा कि मेरे महबूब की उम्मत को अता करूँगा। तो हज़रत मूसा ने कहा, मौला मुझे नबी बनाने से बेहतर था कि उस महबूब का उम्मत ही बना देता। तो ये फजीलत रमज़ान में है। जी नाज़रीन, हम इसी के साथ ये प्रोग्राम यहाँ मुकम्मल करते हैं। हम मौलाना विकार अशरफी साहब के हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। अल्लाह मीनार आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में। मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रब पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगर रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शैतान और सरकश जिन्नात बांध दिए जाते हैं, दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इनमें से कोई दरवाज़ा नहीं खोला जाता, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता, और मनादी करने वाला आवाज़ देता है, ऐ खैर के मुतलाशी आगे आ, और ऐ शर के मुतलाशी रुक जा, और यूं अल्लाह ताला कई लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। और रमज़ान की हर रात ऐसा ही होता है। सागर फर्नीचर निम्म मने मत्तष्टु अंदगोळिसलु गुलबर्गादल्ली आरंभवागिदे। सागर फर्नीचर निम्म मनेगे अगत्यवाद सोफा सेट, डाइनिंग टेबल्स, ड्रेसिंग टेबल्स, साइड टेबल्स, सेंटर टेबल्स, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ ಕೆಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूह रमदान, आपके मेज़बान मोहम्मद मज़हरुल क़ादरी के साथ ए टी वी गुलबर्गा पर। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जो रोज़े के मसाइल, जो बर्निंग इश्यूज़ है, जो लोग ज़्यादा सवालात करते हैं, बार बार पूछते हैं क्या इंजेक्शन ले सकते हैं, क्या मिसवाक कर सकते हैं, या सहरी का वक्त कब ख़त्म होगा। इस तरह के कई सवालात हमें लोग करते हैं, लाइव भी पूछते हैं लोग सवालात, तो इंशाल्लाह उसी पर जवाब देने के लिए हम हमारे स्टूडियो में शहर गुलबर्गा शरीफ के मशहूर व मारूफ आलिम दीन को मदऊ किया है। आइए हमारे स्टूडियो में हम हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद उवैस साहब क़ादरी का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन कराम, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में आए हैं, जो लोग बार बार हमें सवालात करते हैं। जैसे कि लोग सवाल करते हैं के रोज़े की हालत में क्या इंजेक्शन ले सकते हैं, क्या स्मोकिंग कर सकते हैं, दीगर कई क्या बीमारी की हालत में रोज़ा किन हालात में रहना है, किन हालात में नहीं रहना, इस तरह कई लोग हमसे सवाल करते हैं। तो इसके जवाबात देने के लिए हमने शहर गुलबर्गा शरीफ के आलिम दीन को मदऊ किया है। जी मौलाना, मैं आपसे सबसे पहले सवाल ये करना चाहूँगा कि कई लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि दीगर बर्निंग सवाल्स है, टॉपिक्स है वो, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को मुख्तसर रोज़े की फ़ज़ीलत तो बताएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, रोज़ा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ऐसी इबादत है जिसमें इंसान का जिस्म और इंसान की पूरी जिस्मानी सलाहियतें इसमें मसरूफ़ रहती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रोज़े की बहुत बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। हदीस शरीफ में है कि इंसान का हर अमल अपने लिए होता है, लेकिन रोज़ा एक ऐसा अमल है जो अल्लाह के लिए होता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं ख़ुद इसका सिला और इसका अजर अता फरमाता हूँ, या बस इसको ऐसा ही पढ़ा गया कि मैं ख़ुद इसका सिला बन जाता हूँ, यानी बंदे को मैं ख़ुद मिल जाता हूँ, यानी मेरी रज़ा, मेरी खुशनुदी और मेरा तकर्रुब बंदे को रोज़े की हालत में मिल जाता है। और रोज़े के मुतालिक आप जानते हैं कि बहुत से अहादीस हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा महज रोज़ेदारों के लिए मुकर्रर फरमाया है, जिसे बाबुर रैयान कहा जाता है। और जब रोज़ेदार रोज़ा रहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इसकी ये हालत इतनी पसंद आती है कि हदीस शरीफ में है कि रोज़ेदार के मुंह से आने वाली बू भी अल्लाह के नज़दीक ये
مشک سے بھی زیادہ معطر اور محبوب ہے، یعنی اتنے روزہ داروں کے فضائل اور مناقب ہیں. اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ روزہ دار کے لیے دو بڑی خوشخبریاں ہیں، جب وہ افطار کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ دن بھر اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب بندہ کچھ کھا پیتا ہے تو ایک خوشی اور فرحت ہوتی ہے. ایک تو خوشی اس وقت ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس روزے کی وجہ سے جب بندہ اللہ کا دیدار کرے گا اس کو جب ویسی خوشی ہوگی، یعنی اس سے بڑھ کر جو بڑی خوشی ہوگی. یہ دو خوشیاں اللہ رب العزت نے روزہ داروں کے لیے رکھے ہیں. تو روزے کا مقام بہت بڑا ہے، انسان اپنی جسمانی اور روحانی ہر طرح کی تربیت روزے کی حالت میں کر سکتا ہے، اور یہی ایک روزے کا مقصد ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ تقوی شعاری کی زندگی یہ روزہ بہت بہتر حالت میں سکھاتا ہے، اسی لیے ہمیں روزہ رہتے ہوئے یہ روزے کے اغراض مقاصد پر غور کرتے ہوئے روزہ رہیں تاکہ ہم روزے کا مکمل فائدہ حاصل کر سکیں. مولانا میں ایک اور یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو پریزنٹ جو لاک ڈاؤن ہے ہمارے ملک میں، تو بار بار ناظرین یہ سوال کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی حالت میں ماہ رمضان المبارک میں ہم کون سے اعمال گھر میں زیادہ کریں جس سے ثواب ہمیں زیادہ ملے. دیکھیے ماہ رمضان المبارک میں جو سب سے زیادہ عمل ایک مسلمان کو روزہ دار کو کرنا ہے وہ ہے تلاوت قرآن مجید، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. پھر سورۃ القدر میں بھی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. تو سب سے زیادہ ہمارا عمل رمضان میں یہ تلاوت قرآن مجید ہونا چاہیے. اب تلاوت قرآن مجید میں کئی طریقے ہیں، سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ خود تلاوت کریں. اگر آپ کو تلاوت قرآن مجید نہیں آ رہی ہے، مطلب تجوید کا مسئلہ ہے یا آپ نہیں پڑھ سکتے، تو کوئی آپ کے گھر میں اگر کوئی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ بیٹھ کے سنیں، یہ بہت زیادہ بہتر صورت ہے. اگر ایسی بھی سہولت نہیں ہے تو آپ لائیو قرآن مجید کہیں چل رہا ہو تو وہ بھی سن سکتے ہیں، یا ریکارڈڈ بھی ہے تو وہ بھی سن سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا. لیکن جو ثواب راس ہم پڑھنے سے ملتا ہے یا جو کوئی تلاوت کر رہے ہیں ہمارے اطراف و اکناف میں اس سے ملتا ہے، یہ اتنا ثواب ظاہر بات ہے ہم ریکارڈڈ سننے سے نہیں ملے گا، لیکن اس سے بھی یقیناً ثواب ملے گا. تو آپ بہرحال قرآن مجید سے اس مہینے کو جوڑ رکھے. ایک بات، ایک یہ تو صرف تلاوت کا حصہ ہوا، قرآن مجید کی یوں سمجھے کہ 100 آیتیں اگر آپ بغیر سمجھے کہ تلاوت کر رہے ہیں، اس کے مقابل میں ایک آیت اگر آپ سمجھ کے تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ ایک آیت سمجھ کر پڑھنا 100 آیتیں سن کر بغیر سمجھے کے پڑھنے سے، پڑھنے یا سننے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی سمجھ کر قرآن مجید پڑھنا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور قرآن کا یہی مقصد ہے. صرف آپ تلاوت کر رہے ہیں تو چند نیکیاں ثواب جو بھی ملیں گے آپ کو یقیناً وہ ملیں گے، لیکن جو مقصد ہے قرآن کا، قرآن صرف آپ کو تلاوت کے لیے ترغیب نہیں دیتا ہے، قرآن مجید سمجھنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے ہے. تو آپ کوشش کریں کہ کوئی قرآن مجید کا ترجمہ اس کی کچھ وضاحت کے ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کوانٹیٹی میں پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کوالٹی کو دیکھتا ہے. آپ تھوڑا بھی کیوں نہ پڑھیں لیکن سمجھ کر اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ، نشان نزول، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ یہ بہت زیادہ رمضان کا بہتر عمل ہوگا. ایک اور ایک سوال جو کہ مولانا میں کل آپ سے کیا تھا کہ آن لائن تراویح کا، اس کے بارے میں ہمارے بہت سے ناظرین فون بھی کر رہے اور پرسنل جو ہے اس کے لیے ایس ایم ایس بھی کر رہے ہیں کہ شہر گلبرگہ شریف میں ایک مقام پر باضابطہ سماعت قرآن یعنی تراویح پڑھائی گئی ہے، جس میں جو ہے آئیڈیو کلپ کے ذریعے لوگ جو ہے اپنے اپنے مکانات میں اس کی اقتدا کی ہے. تو اس ضمن میں میں نے کل سوال کیا تھا، لیکن آپ اس کا جواب ایک اور ایک مرتبہ ہمیں ناظرین کے لیے دہرا دیں. دیکھیے نماز با جماعت کے لیے جو فقہائے کرام نے شرائط بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہی مقام پہ لوگوں کا جمع ہونا ہے، اور وہ بھی کچھ اس طرح کہ وہاں پہ صفیں بھی متصل ہونی چاہیے، صفوں کے درمیان ایسا کوئی انقطاع نہ ہو، ڈسکنٹینویشن نہ ہو کہ بیچ میں لوگ آ جا رہے ہوں، راستہ ہو تو ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم کو پہلے تو ایک مقام پہ رہنا ہے، پھر ایک مقام کے ساتھ ساتھ ہماری صفیں بھی متصل رہنا ہے، بیچ میں کوئی راستہ وغیرہ نہ ہو، تب جا کے ہم
باجماعت نماز ادا کرنے والے کہلاتے ہیں. تو یہ ایسا درست نہیں ہے کہ آپ کسی مقام پہ نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ اس کی اقتداء لائف کہیں اور مقام پہ کی جا رہی ہو, یہ درست نہیں ہے. کسی بھی صورت میں جماعت کہتے ہیں جمع ہونے کو. جماعت, لفظ جماعت کا جو مطلب ہے وہ مطلب ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگ ایک مقام پہ جمع ہوں. اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ رب العزت کا دست رحمت یہ جماعت پر ہوتا ہے, یعنی لوگ جب جمع رہتے ہیں, یا فزیکلی جمع ہونا یا اگر رائے کی بات ہو تو رائے کے اعتبار سے جمع ہونا. لیکن یہاں پر جو جماعت ہوتی ہے وہاں پر کئی لوگ مل کر جمع ہوں تو جو جماعت کا ثواب ہے وہ بھی ملتا ہے اور جماعت بھی ہوتی ہے. لیکن اگر لائیو آپ کسی مقام سے سن رہے ہوں تو ظاہر بات ہے یہ نماز نہیں ہوگی, یہ اقتداء ٹھیک نہیں ہے, درست نہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ناظرین, آپ نے سماعت کیا کہ جب کہیں لائیو قرآن ہو جو تراویح چل رہی ہے, لیکن اگر آپ اس کی اقتداء اپنے گھر میں کرتے ہیں تو مولانا نے کہا کہ ہرگز آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو بھائی ناظرین کرام, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی نظروں کو ہمارے پروگرام پر جمائے رکھیں. انشاءاللہ چند ہی لمحات میں پھر آپ سے ہم ملاقات کریں گے. مدنی مینار آر سی سی سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں. مضبوط اور خوشنما مینار, محراب, ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رقم پیدا کریں. مدنی مینار, ہاگر گھر روڈ, گلبرگا. پروپرائٹر غلام نبی. کانٹیکٹ 8197867426. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات باندھ دیے جاتے ہیں, دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا, اور منادی کرنے والا آواز دیتا ہے, اے خیر کے متلاشی آگے آ, اور اے شر کے متلاشی رک جا. اور یوں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے, اور رمضان کی ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED TV ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MS ಕೆಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. وقفے کے بعد پھر سے ناظرین کرام, آپ کا استقبال ہے پروگرام روح رمضان, آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کے ساتھ. اب آئیے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے. مولانا, میں آپ سے ایک اور ایک سوال یہ کروں گا کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لینا کیسا؟ دیکھیے, روزے کی حالت میں انجیکشن لینے سے ظاہر بات ہے کہ انجیکشن کے ذریعے سے جو غذا ہے, جو دوا ہے, جو دوا ہوتی ہے وہ ہمارے معدے میں پہنچتی ہے. تو جبکہ یہ روزے کے کنڈیشنز میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی چیز اگر ہمارے معدے میں چلی جائے گی
तो उससे रोज़ा फासिर हो जाएगा। तो रोज़े की हालत में हम इंजेक्शन इसलिए इस बिना पर नहीं ले सकते, इसलिए कि रोज़े का मकसद ये होता है कि दवा आपके मैदे में पहुंच जाए, इससे आपको क्योर मिल जाए, आपकी सेहतयाबी हो जाए। लिहाजा रोज़े की हालत में हम इंजेक्शन नहीं ले सकते। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा नागुजीर हालत है, मतलब बहुत सख्त इमरजेंसी है, तो ऐसी सूरत में इंजेक्शन ले लें। इंजेक्शन लेने से रोज़ा जो फासिद हो जाएगा, अब बाद में उसकी खजा कर सकते हैं। और ये चूंकि मतलब आप जानबूझ के काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका कफारा वगैरह नहीं होगा, लेकिन आपको इसकी खजा करनी पड़ेगी। तो ये बात ध्यान में रखें, जिनकी हालत पहले से ही नासाज है बहुत ज़्यादा, और अतिबा मुआलिजीन डॉक्टर्स ने कहा है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, तो उन लोगों के लिए मशवरा है और इस्लाम यही तालीम देता है कि वो रोज़ा ना रखें। लेकिन जो लोग मतलब उनको ऐसा कतई तौर पर नहीं कहा गया था और वो रहें, और ऐसी सूरत पेश आए कि अब इंजेक्शन लेना ज़रूरी है, तो ऐसी सूरत में इंजेक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये है कि आप उसके बाद फिर उस रोज़े की खजा कर लें, यह बेहतर सूरत है। एक और एक सवाल मौलाना, रोज़े की हालत में स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी पीना कैसा? देखिए, रोज़े की हालत में स्मोकिंग वगैरह की कोई इजाज़त इस्लाम में नहीं है। स्मोकिंग का मकसद ये होता है कि इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरी करे और उससे वो धुआं के ज़रिए कुछ चीज़ मतलब उसकी ख्वाहिश को पूरी करने वाली उसमें चली जाती है, जिससे उसको तस्कीन मिलती है, एक राहत मिलती है। लिहाजा इससे रोज़ा नहीं होगा। बट इसके अलावा भी अगर जानबूझकर कोई धुआं वगैरह हम लें तो भी रोज़ा हमारा चला जाएगा, लेकिन न चाहते हुए अगर कोई धुआं हमारे मुंह में या नाक के जरिए या मुंह के जरिए जिसमें चला जाए तो उससे असर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप जा रहे थे, कोई गाड़ी का धुआं आ गया या कोई कहीं आग लगी हुई थी उसका धुआं हमारे मुंह में चला गया, तो ये चूंकि न जानते हुए है, इसमें नीयत हमारी नहीं, इससे रोजे पे असर नहीं होगा। लेकिन ये तंबाकू नोशी वगैरह जो है, इसमें हम जानबूझ के करते हैं, इससे हम रोजा फासिल हो जाएगा। पर मौलाना सवाल ये है कि बाज़ लोग का सवाल ये है, तंबाकू जो होता है उसे मुंह में रखा जाता है और कहना है कि वो अंदर उसको निगलते नहीं बल्कि तंबाकू को मुंह में रखते फिर थूक देते, तो उसके बारे में हमारे पास सवाल आया कि इस हालत में क्या होगा? देखिए, तंबाकू मुंह में रखा ही इसलिए जाता है ताकि उसके कुछ असरात अंदर जाएं तो सुकून मिले, ये उसका मकसद ही वही होता है। और उसमें यकीनन ऐसा होता है कि आप एक मकाम पे रखे तो भी तब भी हलक में के नीचे उसके असरात ज़र्रात के ज़रिए से या कुछ लिक्विड के ज़रिए से आपके लुआब से मिलके अंदर चले जाते हैं, तो इससे यकीनन रोज़ा फासिद हो जाएगा। आप ये हरगिज़ नहीं कर सकते, इसकी कोई इस्लाम में इजाज़त और गुंजाइश नहीं। जी मौलाना, एक और एक सवाल ये है कि जो लॉकडाउन है पूरे मुल्क हिंदुस्तान में और अक्सर मस्जिद में तरावे तो नहीं, अगर कहीं हैं तरावे तो बिल्कुल 5 लोगों की इजाज़त है हुकूमती तौर पर, तो अब हम तन्हा हैं तो तन्हा तरावे कैसे पढ़े हम? देखिए, तरावी के मुतालिक ये बात जहन में रहे कि तरावी की जो नमाज है ये सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये मर्द और ख़वातीन सबको पढ़ना सुन्नत है। अब इसमें जमात आम हालत में भी जमात सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है, सुन्नत किफाया, इसको आप जहन में रखिए कि सुन्नत किफाया का मतलब ये है कि किसी मोहल्ले में चंद हजरात भी जमात अगर कर लेते हैं तो सबसे वो जिम्मेदारी हट जाती है, अब सब लोग तनहा पढ़ सकते हैं। या समझे कि नॉर्मल हालत में बात है, अब तो लॉकडाउन है तो ज़रूर आप बिल्कुल जमात अब तनहा घरों में पढ़ सकते हैं। तो घरों में जब तनहा आप नमाज पढ़ेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आपको 20 रकात नमाज तरावी की पढ़नी होगी। उसमें कुरान मजीद पढ़ना कोई मतलब पूरा कुरान मजीद का याद रहना कोई ज़रूरी नहीं है। आप आसान अंदाज में जिस तरह दीगर नवाफिल सुन्नत नमाज अदा करते हैं, बस उसी तरह ये नमाज है, जो सूरतें आपको याद है उन सूरतों के साथ आप नमाज पढ़ लें। और इसमें कोई कंडीशन एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है कि मिसाल के तौर पे सलातुल तस्बीह में कुछ तस्बीहात होते हैं, वैसा कोई मसला नहीं है। और नीयत चूंकि आप जब तरावी के लिए खड़े हो गए तो बस आपकी नीयत भी वहाँ पर हो गई है, अब ज़ुबान से वो अल्फाज भी अदा करना कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सीधा साधा अंदाज है, अब उस तरह नमाज अदा करें। जी मौलाना, एक और एक हमारे पास सवाल है कि बाज़ लोगों का कहना है कि जब रोज़ा रहते हैं रहने के बाद नियत सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से नियत हो जाती है या दिल में इरादा करने से नियत हो जाती है, तो असर रोज़े की नियत कैसा करे, वो नियत क्या है उसकी? देखिए, नियत के बारे में यह है कि नियत कहते हैं दिल के इरादे को। आप सहर कर रहे हैं तो आपके दिल में इरादा है कि मैं रोज़े के लिए सहर कर रहा हूँ, ख़त्म, ये आपकी नियत है। अब ज़ुबान से ये अल्फाज अदा करना है कि नवईत वन असूमा अलयौम, ये इस तरह के अल्फाज जो भी हैं ये कोई ज़रूरी अल्फाज नहीं हैं, अगर पढ़ लें तो ये मुसाब अच्छी बात है, लेकिन नियत यह कि आपके दिल में इरादा होना कि मुझे रोज़ा रहना है,
بس یہ دل کا ارادہ اور آپ سحر اسی لیے کر رہے ہیں, بس اس سے آپ کی نیت ہو جائے گی. ماشاء اللہ سبحان اللہ, ابھی مولانا نے کافی اچھی گفتگو ہم سے کی, ہم نے جو بھی سوال کیا مولانا نے اچھے انداز میں اسے جواب دیا, جسے آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا. اب آئیے ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی. مدنی مینار آر سی سی سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں. مضبوط اور خوشنما مینار, محراب, ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رب پیدا کریں. مدنی مینار ہاگر گھر روڈ گلبرگا, پروپرائٹر غلام نبی, کانٹیکٹ 8178674426. رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ, جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ. رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ, رمضان ہے ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED TV ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜ್ನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MS ಕೆಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. بریک کے بعد ناظرین پھر سے آپ کا استقبال ہے پروگرام روح رمضان ATV گلبرگہ پہ آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کے ساتھ. تو آئیے جس طرح ہم مختلف مولانا سے سوالات کر رہے ہیں اسی سوالات کو پھر بڑھاتے ہوئے مولانا میں آپ سے ایک اور ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا؟ دیکھیے ٹوتھ پیسٹ میں کیا ہوتا ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں, اس کی ایک لذت ہوتی ہے, جو ہی ہم دانتوں پہ رکھتے ہیں تو ہم کو محسوس ہوتی ہے. تو جو بھی لذت کی چیز ہم زبان پہ رکھیں اور اس کا اثر ہمارے حلق کے نیچے اتر جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. تو روزے کی حالت میں ہم ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اگر اس کے کچھ بھی حصہ, اس کے کچھ بھی ذرات حلق میں نہ بھی اتریں تب بھی کوئی ذائقہ دار چیز زبان پہ رکھنا مکروہ ہے. تو اس کراہت کی وجہ سے ہم ٹوتھ پیسٹ کا استعمال روزے کی حالت میں نہ کریں. اگر آپ کریں تو کیا ہو جائے گا, روزہ مکروہ ہو جائے گا, لیکن اس کے اندر کچھ, حلق کے اندر کچھ اس کے ذرات اتر گئے, اب مکروہ نے روزہ ہی نہیں ہوگا. اس لیے ہم احتیاط کریں. اس کا بہترین سلیوشن اور الٹرنیٹیو جو سبسٹیٹیوٹ ہے وہ ہے مسواک. تو مسواک استعمال کریں. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس مسواک کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ مسواک کے 70 سے زائد فائدے ہیں. سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی منہ کی گندگی دور ہو جاتی ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کو کلیمہ نصیب ہوتا ہے. تو یہ مسواک کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میں امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو لوگوں کو ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت میں لوگوں کو مسواک کرنے کا حکم صادر فرما دیتا.
تو مسواک کی فضیلت آئی ہے, ہم رمضان میں مسواک کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. جی مولانا, ایک اور ایک سوال ہے کہ بعض وقت جو سحری کا وقت ہوتا ہے, سحری کے وقت میں بعض لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ اذان بھی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اذان تک وقت ہے یا اذان کے ہونے کے بعد بھی تھوڑا وقت ہے تو لوگ کھاتے رہتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کب تک کھائے, اس کا کیا وقت ہے؟ دیکھیے سحر کا ٹائم جب ختم ہو رہا ہے تو ہمارے ذمہ دار اداروں سے ٹائم ٹیبل چھپتا ہے, آپ کے پاس پہنچتا ہے, اور آج تو کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سب لوگوں کے پاس یہ کارڈ چھپتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری مساجد میں بھی ذمہ داران اور انتظامیہ کمیٹی کے حضرات اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اناؤنسمنٹس مساجد سے ہوتی ہیں. اور یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ اذانوں تک نماز سحر کا ٹائم رہے گا, اذان کے وقت اگر آپ سحر کرتے رہیں گے تو آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا. سحر کا جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ انتظامیہ جو مطلب مستند لوگ جو چھاپتے ہیں کارڈس, آپ ان کارڈس کو فالو کریں, اور جو ہی وقت ختم ہو جائے آپ روک دیجئے کھانا. اگر آپ کھاتے رہیں گے سن کر کے ابھی اجالا نہیں ہوا, ابھی مطلب اذانیں نہیں ہو رہی, تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا, آپ غیر ضروری طور پر اپنا روزہ فاسد کر لیں گے اگر آپ کھائیں گے, تو اس سے ضرور احتیاط کریں. مولانا میں ایک اور ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ لاک ڈاؤن ہے, لاک ڈاؤن میں پہلے جس طرح ہم لوگ مساجد میں جا کے تراویح پڑھ کے مکمل قرآن شریف سنتے تھے, تو اب گھروں میں ہیں, اب گھروں میں کس طرح ہم تراویح پڑھ کے کیا قرآن شریف کو مکمل کرنا ہی ضروری ہے؟ جی میں نے اس کے بارے میں ابھی چند منٹس پہلے یہ عرض کیا کہ تراویح کے لیے پوری قرآن مجید کا پڑھنا سنت ہے, لیکن جس کو قرآن مجید پورا یاد نہ ہو, اور خاص طور پر ان لاک ڈاؤن میں, تو ظاہر بات ہے ہر گھر میں حافظ ہونا ضروری نہیں ہے, تو جتنی صورتیں آپ کو یاد ہے اتنی صورتیں آپ پڑھیں, کم سے کم دو صورتیں بھی آپ کو یاد ہے تو بس وہی دو صورتوں کو ریپیٹ کرتے ہوئے آپ 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد خیال رکھیں کہ پہلے جو صورت ہے قرآن مجید میں ترتیب میں وہ پہلے پڑھیں, دوسری صورت کو بعد میں پڑھیں. مثال کے طور پہ اگر کسی کو سورۃ الماعون سورۃ الکوثر یاد ہے تو پہلی رکعت میں سورۃ الماعون دوسرے میں سورہ کوثر پڑھیں گے. یہ ترتیب معلوم کرے, اگر معلوم نہ ہو کہ کون سی پہلی ہے کون سی بعد میں, تو بس وہی دو صورتوں کو ریپیٹ کرتے ہوئے پوری تراویح پڑھ لے سکتے ہیں. جی اگر مرد کے لیے جو ہے سنت موقعہ ہے تراویح, تو یہ کیا خواتین کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے؟ جی ہاں, خواتین کے لیے بھی تراویح سنت موقع ہے, خواتین بھی اس کا اہتمام کریں, اور خاص طور پہ یہ بہت اچھا موقع ہے خواتین کے لیے ایک دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے. آپ جو ہے نماز پڑھیں اور اس میں اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں, تو خواتین گھروں میں تنہا تنہا یہ تراویح کی نماز پڑھیں, اور آپ کے لیے بھی یہ سنت موقع ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ, آج کے ہمارے مہمان عالم دین مولانا اویس قادری صاحب کافی اچھے انداز میں گفتگو کر رہے تھے, ہمارے رابطے اب تک سوالات کے جوابات بھی اچھے انداز میں پہنچا رہے تھے. میں مولانا آپ کا بہت شکر گزار ہوں, جزاک اللہ خیر دیا, اے ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, جزاک اللہ خیر. ناظرین یاد رکھیں یہ پروگرام روحے رمضان روزانہ وقت سحر وقت افطار اے ٹی وی پر نشر کیا جائے گا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پروگرام کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب اور رشتے داروں کو بھی بتلائے, صدقہ جاریہ سمجھ کر اس پروگرام کو شیئر بھی کرے. ایک اور ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جب پروگرام لائیو چلتا ہے تو آپ کامنٹس بوک میں جو سوال کرنا ہے آپ سوال کریں, انشاءاللہ دوسرے دن اس کا جواب دیا جائے گا. آخر میں ہم ایک نعت خواں کو جوڑتے ہیں, اس کے بعد ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا دل اور میری جان مدینے والے, میرا دل اور میری جان مدینے والے, تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے, تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. لکھ دے میری قسمت میں
फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रब पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगर रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426। सागर फर्नीचर निम्म मने मत्तष्टु अंदगोळिसलु गुलबर्गादल्लि आरंभवागिदे। सागर फर्नीचर निम्म मनेगे अगत्यवाद सोफा सेट, डाइनिंग टेबल्स, ड्रेसिंग टेबल्स, साइड टेबल्स, सेंटर टेबल्स, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜ್ನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಜೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ ಕೆಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020.